नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर और मैं हूं आपके साथ रमन शर्मा। आप हमारे चैनल पर किडनी से जुड़ी हर तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी पा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोमेग्रेनेट मतलब अनार किडनी के लिए कैसे फायदेमंद है। अनार का रस किडनी पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। एंटीऑक्सीडेंट के हाई कंसंट्रेशन की वजह से अनार के रस से खतरा कम हो सकता है, साथ ही किडनी को हेल्दी रखने में मदद करता है और किडनी की पथरी को डेवलप होने से रोकता है। ये यूरिन के एसिडिक लेवल को भी कम करता है, साथ ही इसमें रेड वाइन और ग्रीन टी की तुलना में 3 गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। अनार का रस बॉडी सेल को नुकसान से बचाने और सूजन को कम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं अनार से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट। अनार एक ऐसा फल है जो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। अनार के बीजों में रेड कलर अपने पॉलीफेनोल्स से होता है। ये केमिस्ट्रिकल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। सेकंड है विटामिन सी। एक अनार के रस में विटामिन सी आपके डेली रिक्वायरमेंट का 40% से ज़्यादा हिस्सा होता है। पाश्चराइड होने पर विटामिन सी ब्रोक किया जा सकता है, इसलिए न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स पाने के लिए घर के बने ताज़े अनार का रस ही पीना चाहिए। पोमेग्रेनेट जूस इंटेस्टाइन में स्वेलिंग को कम कर सकता है और डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। ये क्रोहन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस वाले लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फोर्थ है ब्लड प्रेशर। डेली अनार का जूस पीने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, साथ ही अनार के रस को डेली पीने से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं अनार किडनी के लिए कैसे फायदेमंद है। अनार का रस किडनी के रोगियों के लिए फायदेमंद है। एक स्टडी से पता चला कि अनार का रस पीने से लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अनार के रस में एंटीऑक्सीडेंट होने से जैसे एस्कॉर्बिक एसिड और पॉलीफेनिक फ्लेवोनॉइड और हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए एक डाइट के अलावा हार्ट हेल्थी हो सकता है। साथ ही इसमें कम नमक डाइट की भी सलाह दी जाती है, जैसे DASH डाइट फाइबर में हाई होते हैं। आज हमने आपको बताया पोमेग्रेनेट मतलब अनार किडनी के लिए कैसे फायदेमंद है। उम्मीद करते हैं आज की दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही नई महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार किडनी की समस्या से परेशान है तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से इलाज करवा सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। क्रिएटिनिन भी कम हुआ है, 6 से क्रिएटिनिन 3 आया है। जो इनको डायलिसिस की जरूरत थी वो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट भी अब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज एक पेशेंट और जुड़े हैं जो किडनी की इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे और आज उनको किस प्रकार से आराम मिला है जानेंगे उनसे। क्या नाम है पेशेंट का? निगाहिया राम जी। कहाँ के रहने वाले? कैथल डिस्ट्रिक्ट। कैथल से? कैथल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा। हाँ जी हाँ। तो कैथल कौन से गांव से हैं? मानस गांव है। मानस। तो जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी उनको? किडनी में काफी प्रॉब्लम थी सर। एक तो उनका क्रिएटिनिन था जो 6.92 था और जो यूरिया सीरम था वो भी 177 था। 6.9 चला गया था क्रिएटिनिन। हाँ जी हाँ जी। अभी 2 महीने की दवाई लेने के बाद उसका क्रिएटिनिन जो 3.81 है और यूरिया जो 9.2 है। अच्छा, पहले 6.9 था। हाँ, अब क्रिएटिनिन कितना है इनका? 3.81। 3.8। दिखाओ रिपोर्ट, दिखाओ कैमरे की तरफ करो इसको। ये आप देख सकते हैं इन्होंने कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से रिपोर्ट कराई है और इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन 3.81 हो चुका है, यूरिया भी 92 हो चुका है। ये पेशेंट कौन है आपके? ये रिलेटिव है जी, मेरे मतलब अंकल लगते हैं। अंकल लगते हैं। अंकल लगते हैं, ठीक है रख लो। तो जब आए थे इनको और क्या क्या दिक्कत होती थी निगैया राम जी को? इनको पाँव में सोजिश हो जाती थी, खाने में दिक्कत थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी, पाँव काफ़ी सूज जाते थे। वो अब ठीक है, इनका काफ़ी ठीक है, अभी बैठ गए। अभी तो नहीं आ रही ना सूजिश? तो डॉक्टर ने तो डायलिसिस के लिए बोल दिया था जी। अच्छा, अल्केमिस्ट में चंडीगढ़।
पंचकूला में अल्पमिस्ट हॉस्पिटल, वहाँ डायलिसिस के लिए बोल दिया था इनको भाई डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो अब काफ़ी रिलीफ है जी, खाना खुना बेटर है, खा रहे बढ़िया अच्छा। तो आपने कैथल से अल्केमिस्ट चंडीगढ़ में दिखाया था, वहाँ पे डायलिसिस के लिए बता दिया। हाँ जी, हाँ जी, डायलिसिस। अब डायलिसिस की जरूरत तो नहीं पड़ी ना? नहीं पड़ी जी, है ना, अब ठीक है ना? अब ठीक ठीक है जी, अब कोई जरूरत नहीं डायलिसिस, कोई जरूरत नहीं। खाने पीने का अलग के फॉलो कर रहे हो ना सर? हाँ जी, हाँ जी, डाइट भी डाइट चार्ट के हिसाब से खाना दे रहे हैं, पहले से ठीक महसूस कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। क्रिएटिनिन भी कम हुआ है, 6 से क्रिएटिनिन 3 आया है। टेस्ट कहाँ से कराए हैं आपने? ये कैथल से कराए जी, कैथल में लैब है, वहाँ से उन्होंने टेस्ट कराए हैं और पहले से इनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। ना केवल क्रिएटिनिन कम हुआ है बल्कि यूरेमिक सिम्टम्स भी सबसाइड हुए हैं, यूरिया भी कम हुआ है, और साथ साथ जो इनको डायलिसिस की जरूरत थी वो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट भी अब नहीं है। अब रिपोर्ट दिखाई थी अल्केमिस्ट में? ये तो नहीं दिखाई थी अभी, तो नहीं दिखाई। अब ठीक महसूस कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, काफी बेटर है, काफी बेटर है, ठीक है। तो लग के इन्होंने फॉलो करी सारी चीजें और पहले से फिजिकली भी बेटर है और अब ये इनकी रिपोर्ट में भी इम्प्रूवमेंट आई है, सब चीजों में इनको अच्छे रिजल्ट है। कैथल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और इन्होंने लग के फॉलो करा मेडिसिन भी, डाइट चार्ट भी और गाइडेंस। 6 से क्रिएटिनिन 3 आया, डायलिसिस के प्रोटोकॉल से टोटली बाहर आ चुके हैं। तो क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने देखा ना किस प्रकार से इनका क्रिएटिनिन बड़ा था, अब कम हुआ है, अब क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी दवाई लिखी, दवाई दी हमारे को और हमारा पेशेंट काफ़ी बेटर है। मैं सबको बोलता हूँ कि डायलिसिस से पहले यहाँ एक बार डॉक्टर साहब से जरूर मिले आके। जैसे निगैया राम जी को आया फर्क, वैसे औरों को भी आ सकता है। तो इन्होंने लग के फॉलो करा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नजर आए। स्टॉप किडनी डायलिसिस।